गार्डन हमेशा बना रहे तो क्या कहना दोस्तों, लेकिन इस हरे भरे गार्डन को जो है अच्छे से फूल देते रहें पौधे, उसके लिए जो है हमें इनको भरपूर मात्रा में और वो भी टाइम टू टाइम क्या है खाना देना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है या फिर फ्रूटिंग वाले पौधे हैं, कौन सी जो खाद होती है वो हमें देती रहना चाहिए बिना किसी रोक टोक और बिना किसी जो है कन्फ्यूज़न की। तो आप यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे जो है मेरे डबल पेटूनिया के फ्लावर जो है खिले हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए पेटूनिया का मेरा कॉर्नर है, बहुत ही प्यारे प्यारे जो है इनके फूल जो है भरपूर मात्रा में जो है ब्लूम हुए हैं, लेकिन क्या है धीरे धीरे जो है इनकी कंडीशन जो है थोड़ी थोड़ी सी जो है ख़राब होने लगी है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये ऐसे करके ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों जहाँ तक रहा फर्टिलाइज़र की बात हो, देखो मैं तो अपनी पेटूनिया पे जो है वीकली तौर पे जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र फीड कर देती थी, या 20 दिन के गैप पे मैं थोड़े से जो है DAP के दाने जो है इनको दे देती थी, और बीच बीच में क्या है फंजीसाइड से स्प्रे भी कर देती थी। लेकिन क्या है जैसे जैसे मौसम जो है थोड़ा चेंज होगा, वैसे वैसे अगर हम फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा देंगे तो पौधे जो है ले नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ी बहुत जो ठंड है, सुबह शाम की जो हल्की हल्की ठंडक है, तो हम ही इनको जो है फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बट वही है थोड़ा सा टाइम का जो है बढ़ा दीजिए, जैसे हम वीकली तौर पे इनको फर्टिलाइज फीड करते थे, वैसे क्या है इनको थोड़ी सी जो है 10 दिन के बाद अंतराल में जो है आप इनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए लीफ माइनर, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये छोटे से कीड़े होते हैं, देखिए छोटे से कीड़े होते हैं और पत्तियों के अंदर चलते हैं बिल्कुल, ये देखिए, और ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होते और अंदर अंदर क्या करते हैं कि ये पत्तियों की जो है रस जो है चूसते चले जाते हैं। तो देखिए तभी जो है पत्तियां ऐसे आपको दिख रही हैं रेघारिया सी, ऐसे करके ये सारे जो लीफ होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। अगर पौधे की जो लीव है वही डैमेज हो जाएगी तो पौधा जो है खाना अपना जो है बनाने में जो असमर्थ रहेगा, खाना बना नहीं पाएगा। तो ऐसे जब भी देखें तो आप इनको जो है पौधे से जो है हटा जरूर दें। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि जैसे आपको सीड वगैरह चाहिए तो आप क्या है स्पेंड फ्लावर को छोड़ सकते हैं सीड बनने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो सीड बनते हैं बहुत ही जो है हेल्दी रहते हैं। तो आपको चाहिए तो एक कोई जो ब्रांचेस है उनको चूज कीजिए और छोड़ दीजिए। जैसे ये पौधा इतना बड़ा है तो मैंने इस ब्रांचेस को चूज किया कि मैंने क्या है इनमें जो है सीड बनने को छोड़ना है, ताकि ये एक तो पता भी चलेगा कि हमने एक ही ब्रांचेस में रखा हुआ है, अगर बीच में कहीं पे भी रख देते हैं तो क्या हमें पता नहीं चल पाता है और वो बीज जो है बन भी जाते हैं और अपने आप क्या है अगर हम ना थोड़े टाइम से पहले तो वो है ब्राउन होके पक्के और उनके जो सीड पॉड है वो ओपन हो जाते हैं और बीज जो है पौधे में ही प्लांट में ही जो है गिर जाते हैं गमले में, सॉरी। इसीलिए अगर आप छोड़ रहे हैं सीड बनने के लिए तो इस बात का ध्यान जरूर दें इस पॉइंट का। तो दोस्तों चलिए अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। क्या है कि मैंने जो है फर्टिलाइज़र जो है बना के रखे हुए हैं मस्टर्ड खली, उसमें थोड़े से DAP के दाने भी डाल दिए हैं और जो है काउडंग मेन्योर डाले हुए हैं। इनका जो है लिक्विड बना के हमेशा रखती हूँ और वीकली जो है अपने पौधों में दे देती हूँ, लेकिन अभी जो धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा तो मैं थोड़ा टाइम का जो है ध्यान दूँगी। जैसे 7 दिन के बाद देते थे 8 दिन के बाद, वो 10 दिन हम कर देंगे। तो ये देखिए मेरा फर्टिलाइज़र है, इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं, ख़त्म हो गया है लेकिन इसमें दोबारा से हम पानी फिल कर देंगे, तो उसी मटेरियल में जो है ये और जो है नया से फर्टिलाइज़र जो है बन जाएगा, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से जो है हो गया है। तो इतना सा हम क्वांटिटी में रहने देंगे ताकि जो बाकी की तरफ मिल के पानी में फ्रेश पानी में मिल के क्या है ये फटाफट जो है फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो देखिए ये बकेट क्या है बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या है हमने सिंपल सा इतना ही लेना है, मैंने क्वांटिटी की जो है मैंने थोड़ी सी जो है कम करना है। अब 10 मात्रा या 8 मात्रा पानी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए ये जो है मैंने जितना लिया है उससे जो है क्या है 20 गुना पानी है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली दिया है, तो अगर मैं ज़्यादा दे दूँगी तो फिर क्या है पौधे में जो है नुकसान होगा। तो बस देखिए इस फर्टिलाइज़र का लेना है और हमने साइड में इनको जो है दे देना है।
और देने से पहले आप जरूर चेक कीजिएगा कि आपका जो गमला है वो क्या है, ड्राई होना जरूरी है, मिट्टी है वो सूखनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए गमले की मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, इनमें हल्की सी नमी है। हम दोबारा इनमें पानी देने का टाइम आ गया है, तो पानी देने की वजह क्या है, हम इनको जो है फर्टिलाइजर फीड करेंगे। तो इसको हम साइड से दे देते हैं ऐसे करके, ताकि जो पानी है वो पत्तियों में ना पड़े। लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम है, अगर डल भी जाएगा तो क्या है सूख जाएगा थोड़ी देर में। और ये फर्टिलाइज़र क्या है, इवनिंग में आप दे सकते हैं 5 बजे के करीब, या मॉर्निंग में दे रहे हैं तो आप 6:30-7 के बीच में दे दीजिएगा। नहीं तो अगर लेट करेंगे तो क्या है धूप होगा फिर। ये फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं पौधों को ताकत के लिए, तो ये उल्टा नुकसान ना कर जाए। देखिए फर्टिलाइज़र तो मैंने दे दिया, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने इनको छोड़े हैं सीड बनने के लिए। और देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखिए एक इकट्ठे मैंने छोड़े हैं, बट क्या है इनमें मैंने चेक किया इनमें बने नहीं हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल ही। तो मैंने इनको रिमूव कर दिया और इनमें जो है बने हुए हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम स्पेंट फ्लावर छोड़ दें तो उनमें कई बार सीड पॉट जो है बनते नहीं है, तो ये भी चेक करते रहिएगा। तो देखिए इधर मैंने छोड़ दिया है, और बाकी जितने भी स्पेंट फ्लावर है इनको जो है पिंचिंग हम करके जो है हटा देंगे। अभी 2 दिन से जो है टाइम नहीं मिला, इसलिए कुछ फ्लावर जो स्पेंड हुए पड़े हैं और पौधे में ही हैं। तो ऐसे करके अगर हम छोड़ देंगे तो सारे सीड बन जाएंगे, तो क्या है पौधा भी जो है ख़राब जल्दी हो जाएगा, इसीलिए ये कम करना ज़रूरी है। और जैसे जैसे जो है गर्मी की तरफ हम बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो है फूल, तो देखिए फ्लावर जो पौधा जो है वो तो विंटर का है, लेकिन क्या है हम इनको जो है अगले साल के लिए जो है बचा के रख सकते हैं। बट ये जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी वैसे वैसे क्या होगा कि ये जो पौधे अभी क्या है बड़े बड़े से फूल दे रहे हैं, तो वो अपने फूल थोड़े से छोटे छोटे करने शुरू कर देंगे। और क्या होगा कि जैसे क्योंकि इनका क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो इसलिए अपने फ्लावरिंग की शेप में जो है ये चेंजेस कर लेते हैं। और जो पत्तियाँ इनकी जो लीफ होते हैं वो भी क्या है ग्रीन ग्रीन से नहीं रह पाती हैं। तो अभी देखिए अभी तो टाइम है कि हम इनको जो है फुल डे की सनलाइट में रखें, लेकिन जैसे जैसे हम मान लीजिए 15 मार्च के बाद हम इनको क्या है शेमी शेड में रख देंगे, हम गमले को उठा के वहाँ पे रख देंगे जहाँ पे क्या है दोपहर की जो सनलाइट है पौधे को ना मिले, तो ऐसे पौधा जो है सेव रहेगा। और जैसे जैसे मई जून का जो महीना आएगा तब हम इनको जो है पौधे को जो है ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे, बट ग्रीन नेट के नीचे भी वहाँ पर रखना है हमने जहाँ पर क्या है कि कोई बड़ा प्लांट आपका है, बड़ा प्लांट रखा हुआ है उसके छांव में रखना है। जैसे मान लीजिए ये बुशी जैसा पौधा है बड़ा सा है, तो हमने इधर साइड में रख देना है ताकि इसकी जो छांव है ना पौधे को जो है ढक ले। तो ऐसे रखेंगे तो क्या है पौधे की जो है ग्रोथ अच्छे से चलेगी। और देखिए यहाँ पर मेरे कंटेनर वाले जो हैं कंटेनर गार्डन जिनको मैंने बनाए थे, उनमें भी पिटूनिया के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और ये काफ़ी अच्छे से फैले हुए हैं। और इवनिंग टाइम में क्या है थोड़ी बहुत जो है हवा भी चली थी तेज, तो उसकी वजह से क्या है पौधे देखिए इधर से उधर बिखर गए हैं। तो बस दोस्तों इन पॉइंट को जो है ध्यान रखिएगा, तो आपके पौधे जो है सारा साल बने रहेंगे। और फर्टिलाइजर देना बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, बट ये भी ज़रूरी है कि टाइम हमें टाइम पर देना चाहिए, और कितने दिन के अंतराल में दे रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या है फर्टिलाइजर आप 10 दिन के अंतराल पर दे दीजिएगा, लिक्विड फर्टिलाइजर आप अगर पौधे में फीड करते हैं तो 10 दिन के बाद जो है फर्टिलाइजर अपने पौधों में दे सकते हैं। और जो DAP की बात कर रही हूँ, तो आप DAP जो है महीने में एक बार जो है 4 से 5 दाने आप फीड कर दीजिएगा। तो बस इतना कीजिए और पौधे को जो है शेमी शेड या फिर ग्रीन नेट के जो है नीचे रख दीजिएगा। तो बस इतना काम करेंगे तो आपका पौधा जो है बचा रहेगा और अच्छे से जो है ग्रो करेगा। तो बस इन 3 पॉइंट को फॉलो करना है। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।